अब कमान हमारे युवा मुख्यमंत्री सैनी जी ने संभाली। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सैनी जी देखने में बड़े सौम्य है, विनम्र भी है, परंतु जहां जनता की बात आती है बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने वाला ये हमारा सैनी है, भाई सैनी है। और करनाल वालों, मैं करनाल वालों को कहने आया हूं, आपका मुख्यमंत्री हमने ले लिया, परंतु आपको मुख्यमंत्री देने का काम भी हम ही कर रहे हैं। करनाल की सीट मुख्यमंत्री की थी और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की रहने वाली है। करनाल वालों, आपका विधायक ही मुख्यमंत्री बनने वाला है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे ऐसे नहीं बोलते भाई, खड़गे तक आवाज जानी चाहिए, जोर से बोलिए, है या नहीं है? ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान हरियाणा वालों का कश्मीर से क्या लेने? अरे खड़गे साहब, आप 80 के हो गए, आप देश को नहीं जान पाए, हरियाणा का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के नेता कहते हैं पाकिस्तान को सम्मान दो, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगो, उनके पास एटम बम है। ये मणिशंकर अय्यर कहते हैं। मैं आज राहुल बाबा को करनाल की अंगराज कर्ण की भूमि पर से कहने आया हूं, राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, आपकी पार्टी का जो फैसला है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम इसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, धारा 370 को एपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए 70 साल तक संभाल कर रखा, देश में आतंकवाद बढ़ा, मगर धारा 370 नहीं हटाई। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाइयों समाप्त कर दिया, और आज शान से कश्मीर में हमारा तिरंगा लहर रहा है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को समृद्ध करने का काम किया है, मोदी जी ने हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 35वें नंबर पर लाने का काम किया है। आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, मनोहर लाल को संसद में भेज दो, तीसरी टर्म में तीसरे नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। भाइयों बहनों, आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? भाइयों बहनों, 70 साल से हुड्डा साहब, जवाब देना आप जरा इस बात का करनाल वालों को, 70 साल से राम मंदिर को अटका कर लटका कर भटका कर रखा, मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता, और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी देखिए, ट्रस्ट वालों ने उनको निमंत्रण भेजा, खड़गे जी को, सोनिया जी को, राहुल बाबा को, और कहा कि आप पधारिए, इतना बड़ा राम उत्सव 500 साल के बाद हो रहा है, आप आइए, मगर ये लोग नहीं गए, क्योंकि उनकी माइनॉरिटी की वोट बैंक का डर था। भाइयों बहनों, वो भले नहीं गए, हम भाजपा वाले नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने न केवल राम मंदिर, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ को भी फिर से बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया।
भाइयों बहनों, ये लोगों ने सिर्फ गरीबों की बात करी, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। मैं आगे इस विषय पर आता हूं, पर सबसे पहले एक कांग्रेस पार्टी के राहुल बाबा किसानों की बात करते हैं। मैं आज यहां से उनको पूछने आया हूं, एक किसान के बेटे जगदीप धनखड़ जी का आपने अपमान करने का काम किया। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ जाट किसान का नेता जगदीप धनखड़, उसको आपने अपमानित करने का काम किया है। और भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार आई उसके पहले कांग्रेस सरकार का किसान बजट 22,000 करोड़ था। ध्यान से सुनिएगा, 22,000 करोड़ कितना था भाई? और मोदी जी ने 10 साल में इसको बढ़ाकर 22,000 करोड़ से 1,25,000 करोड़ करने का काम किया। मोदी जी ने धान की खरीदी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले 76 लाख किसानों का धान खरीदा जाता था, मोदी जी ने 1,22,00,000 किसानों का धान खरीदा। 475 लाख मैट्रिक टन की जगह 830 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और हमारे मनोहर जी ने तो कोई क्रॉप छोड़ा नहीं है। भावांतर योजना के तहत सारे के सारे क्रॉप को मनोहर जी ने किसान को MSP देने का काम मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब करनाल की भी बात करना चाहता हूं। करनाल के अंदर ढेर सारे विकास के काम हुए। स्मार्ट सिटी करनाल को बनाया गया, 57 योजनाएं ली, उसमें से 52 पूरी। और शक्ति कॉलोनी में 106 करोड़ का यूटिलिटी विकास परियोजना लिया। खेलो इंडिया का सेंटर बना, 760 करोड़ से विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुटेल में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी, अंजन थली में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनी। भारत परिमाला योजना के तहत 1800 करोड़ का रिंग रोड दिया, 300 करोड़ रेलवे अंडरब्रिज और ओवरब्रिज बनाए। रैपिड रेल जल्दी से शुरू होगी और बेटल ऑफ पानीपत का म्यूजियम भी बनाने का काम हमारे मनोहर जी ने किया। भाइयों बहनों, जल जीवन मिशन के तहत एक ही विधानसभा में 1,33,000 गरीबों को नल से जल दिया। 40 सस्ती दवाइयों की दुकानें खोली, 40,000 गरीबों को शौचालय दिया, 36,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और 20 लाख लोगों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और करनाल वालों, मुझे बताओ भाई, कोरोना का दोनों टीका आपका लगा है या नहीं लगा है? अरे ऐसे क्या बोलते हो भाई, अगर दोनों टीका लगा है तो हाथ उठाकर बताओ, लगा है या नहीं लगा है? किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर सामने से टीका लगाया ना? मोदी जी ने 130 करोड़ की आबादी वाले भारत को कोरोना का टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, उस वक्त राहुल बाबा क्या कर रहे थे? राहुल बाबा कह रहे थे ये मोदी टीका है मत लीजियो, बीमार हो जाओगे। ये तो अच्छा है, हरियाणा और करनाल वाले सुनते नहीं है, सबने टीका लगा दिया, देश भर ने लगा दिया। जब राहुल बाबा को मालूम पड़ा पूरे देश ने ले लिया, एक दिन रात को बहन प्रियंका के साथ जाकर अंधेरे में खुद भी टीका लगाए। अरे शर्म करो, शर्म करो।
कोरोना जैसी महामारी में राजनीति करते हो राहुल बाबा, ये देश की ये परंपरा नहीं है। देश पर जब संकट आता है तो सब एकजुट होकर इसके सामने लड़ते हैं। आपने ऊंचे स्तर की राजनीति का परिचय दिया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, परंतु मुझे बताओ, एक मिनट के लिए सोच लो कि घमंडिया गठबंधन इंडी अलायंस को बहुमत मिला तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा? बताओ तो जरा, कोई नाम है? अरे करनाल वालों बताओ, कोई नाम है क्या? चलो मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार बन सकते हैं क्या? अरे जोर से हाना बोलना भाई, बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? अब हंसना मत, जरा भी मत हंसना। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे यार आप, वो बड़े नेता है कांग्रेस के भाई, मगर बताओ बन सकते हैं क्या? ये लोग, इनके पास नेता भी नहीं है, नीति भी नहीं है। एक पत्रकार ने उनके नेता को पूछा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा आपका? तो उन्होंने कहा, बारी बारी हम पांच लोग एक एक साल बन जाएंगे। अरे करनाल वालों, ये राहुल बाबा समझते नहीं है, ये परचूरन की दुकान नहीं है। 130 करोड़ का महान भारत देश है, महान भारत देश है। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो कोरोना जैसी महामारी में देश को सुरक्षित रखे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत में लाने का काम करे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो ट्रिपल तलाक समाप्त कर दे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो देश से नक्सलवाद समाप्त कर दे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो यूसीसी लाने का काम करे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो भारत को दुनिया में नंबर वन बनाए। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ऐसा आदमी कौन है? जरा बताओ दो, जरा जोर से बोलो, ऐसा प्रधानमंत्री कौन है? और जोर से बोलो, कौन है? अरे इसी तरह से मैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां जहां जाता हूं, एक ही नारा मिलता है, मोदी 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 के नारे। और भाइयों बहनों, आज मोदी मोदी का नारा देश के विकास का एक विश्वास बन चुका है। सबको मालूम है कि देश को पूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध, शिक्षित और टेक्नोलॉजी से युक्त केवल और केवल नरेंद्र मोदी बना सकते हैं, नरेंद्र। और हरियाणा वालों, आप पर तो मोदी जी का अधिकार है, मैं उनके साथ इतने साल से काम कर रहा हूं। गुजरात में थे तो भी हरियाणा की चिंता करते थे, और यहां आए तो भी हरियाणा हरियाणा करते रहते हैं। हरियाणा पर मोदी जी का विशेष लगाव और प्यार है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ने 10 साल में 41,000 करोड़ रुपया भेजा था हरियाणा के विकास के लिए। हुड्डा बाबू, जवाब देना जरा मेरी बात का, सिर्फ 41,000 करोड़, 41,000, और मोदी जी ने 2,70,000 करोड़ रुपया हरियाणा के विकास के लिए भेजा। भाइयों बहनों, इस बार मैं आप सबसे, समस्त हरियाणा वासियों से करबद्ध निवेदन करने आया हूं, एक भी सीट छोड़ना मत। सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डालिए। और एक युवा मुख्यमंत्री को आगे आइए, सैनी जी आप, मैं आपके सामने प्रत्याशी ये नाते लेकर आया हूं, इसको आपका आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद दीजिए। भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है
मनोहर जी ने जो गाड़ी एक गंतव्य तक पहुंचाई है, इसको स्टेशन तक पहुंचाने का काम हमारा नायब सैनी करेगा, नायब सैनी करेगा। तो मुझे बताओ करनाल वालों, मनोहर जी और सैनी जी को जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, ऐसे नहीं होता यार, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? सभी सीटों पर कमल खिलाओगे? 400 पार कराओगे? तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और मुट्ठी भींच कर बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।